ये अभी आज जो मेमोरेंडम दिया गया, एक कमिश्नर साहब को दिया गया, एक महापौर साहिबा का मेमोरेंडम जो है असलम अंसारी साहब को दिया गया, क्योंकि सभागरम नेता भी है कांग्रेस पार्टी के और वो चाहेंगे तो जल्दी तजवीज आ जाएगी। और साहब हमने एक कॉपी कलेक्टर साहब को भी दी है, एक कॉपी छगन भुजबल साहब पालक मंत्री को भी दी है, एक हमने अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक साहब को भी भेजा है और एक कॉपी हमने एडीटीपी को भी भेजा है, टीपी को भी भेजा है और उप संचालक नगर रचनाकार को भी एक कॉपी भेजा है, ताकि जब प्रपोजल जाएगा तो पहले से उनके पास हमारे निवेदन रहे। भैया मोबाइल पहले से बंद कर, क्या आवाज आ रही है? साहब सबसे पहले तो मैं जो हमारे सभी यहाँ पर हमारे धर्म गुरु भी आए हैं मौलाना लोग और गुरुवार वार्ड के ये सभी नागरिक गुरुवार वार्ड मालदे कब्रस्तान संघर्ष समिति की हम लोगों ने स्थापना की और आज जो हमारा जो शिष्टमंडल जो वक्त तो आज आया हुआ है, ये एक बहुत ही महत्व की विषय के ऊपर आया हुआ है और आपको जानकारी मुझे देना जरूरी है क्योंकि आप नए कमिश्नर हो। गुरुवार वार्ड और मालदा शिवार जो नई हद्दवाड़ हुई है, मालदा शिवार मालदा गांव और जो पुराना गांव है जिसके अंदर हम गुरुवार वार्ड जिसको बोलते हैं, यहाँ की एकुन जो चार प्रभाग आते हैं इसकी एकुन लोक संख्या एक साधारण आईसीएचपी घरकुल योजना की लोक संख्या हम ज्वाइंट करके मैं बोल रहा हूँ ये साधारण 1.25 लाख है, 1,25,000 है और ये पूरे परिसर के अंदर ये पूरे भारत के अंदर जो कब्रस्तान है, अगर किसी की मौत होती है मुस्लिम समाज में तो उसको बड़े कब्रस्तान के अंदर लाना पड़ता है, बड़े कब्रस्तान वहाँ से एक साधारण 2-2.5 किलोमीटर या दो मिनिमम 2 किलोमीटर के रेंज में आना है, लेकिन अगर कोई गोर गरीब के वहाँ पे अगर मौत हो गई तो उसके वहाँ रात में अगर उसको दफन विधि करना है, दफनाना है, कब्रस्तान ले जाना है तो रात में लोग नहीं रहते और बहुत दिक्कत का सामना है क्योंकि उधर जो हाईवे के उधर भी बस्ती बढ़ गई है, हाईवे के अपोजिट साइड में जो मालदा है उधर बहुत गोर गरीब लोग रहते हैं और ये पूरा परिसर के अंदर बीच में एक जगह है, 1.5 एकड़ जमीन है जो गट नंबर 44 है, ये संगमेश्वर शिवार है, संगमेश्वर शिवार के अंदर आती है और ये मालदा शिवार के अंदर है लेकिन इसके जो तलाटी है वो संगमेश्वर है और 44 गट नंबर का एक हमारा 8.5 एकड़ जमीन जो हद्दवाड़ के अंदर है, बात को आप समझ लो जो हद्दवाड़ हमारा 5 ग्राम पंचायत को समाविष्ट किए गए ये उसके अंदर ये गट आता है। अभी सरकार ने और आपने डीपी यूनिट का काम चल रहा है, हद्दवाड़ का नया डेवलपमेंट प्लान बनाने का तुम्हारा काम चल रहा है, वो कोई सोईगांव के अंदर कोई ऑफिस के अंदर कार्यालय आपने भानकर उनको दिया और वहाँ पर उसका काम कॉन्फिडेंशियल चल रहा है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, हमको आप उनसे मिलाओ भी मत, लेकिन हमारी ये मांगनी है कि ये 8.5 एकड़ जमीन के ऊपर जो डीपी यूनिट जो तैयार किया जा रहा है हद्दवाड़ का, जो डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है, इस डेवलपमेंट प्लान के अंदर इसको कब्रस्तान के लिए आरक्षण किया जाए, ये प्रमुख हमारी डिमांड है। एक दूसरी डिमांड है, तुम आरक्षण करते रहो, तुम्हारा डीपी यूनिट बनते रहेगा, उसके अंदर हमको कोई शंका नहीं है, लेकिन हमारी विशेष ये मांगनी है कि जो भी आने वाली महासभा होने वाली है महासभा के अंदर ये प्रस्ताव को आप लाओ, विशेष महासभा के अंदर ये प्रस्ताव को लाओ और इसके अंदर वाटाघाटी प्रभावित होती है जमीन मालक से तो वाटाघाटी करो, उनको आपके टेबल पे बुलाओ, आपके कार्यालय के अंदर बुलाओ, जिनका नाम 7-12 के ऊपर है उनको बुलाकर आप प्रभावित वाटाघाटी करो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जमीन मालक प्रभावित वाटाघाटी के ऊपर तैयार होगा, मुझे नहीं लगता है क्योंकि कुछ थोड़ा फार डिस्प्यूटेड उनका कुछ आपस में है, वो जानकारी आप ले लेना, वो डिस्प्यूटेड भी है तो इसके अंदर कोई रुकावट नहीं आ सकती, तो कंपलसरी एक्विजिशन करना है, कंपलसरी एक्विजिशन करो, आप प्रस्ताव बनाओ, मान्यता लो और उसको माननीय जिला अधिकारी तरफ भू संपादन तरफ भेजो और इसका पूरा संपादन करो,
एक्विजिशन करो और महानगर पालिका ने उसको पूरा खरीदी करना और वहां के 1.25 लाख जनता, आज का मैं आपको तुम्हारा ऑफिशियल आंकड़ा दे रहा हूँ जो लोक संख्या मैंने दिया, मैं ऐसा कुछ ऊपर हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके इलेक्शन डिपार्टमेंट से ब्रांच से मैंने वो लोक संख्या लिया कि चार प्रभाग में कितनी लोक संख्या है, वो 1 लाख कुछ 10 हजार आ रही है, लेकिन जो आई जी ड्यूटी में गए तो वहां पर भी तो कब्रस्तान की सुविधा उपलब्ध नहीं है अभी, तो वो वहां पर उनके लिए बहुत करीब होने वाला है, तो अगर ये ज्वाइंट काम हो जाते तो 1.25 लाख लोक संख्या तुम्हारे रिकॉर्ड पे होता है, तो हमारी ये सभी लोगों की मांगनी है कि आप तुरंत इसको विशेष सभा के अंदर फॉरवर्ड करें और इसका भू संपादन करें और कंपलसरी एक्विजिशन होना ही जिसके एक मार्ग है और उसके अंदर मैंने आपको उतारे भी दिया हूँ, 7-12 के उतारे भी दिया हूँ, उसके अंदर जो अभी आरपी अपना जो है हथवाड़ का ये आरपी प्लांट की जीरोक्स भी मैंने आपको दिया हूँ, उसके अंदर वो गट 44 में आप देख सकते हैं, तो मेरी विनती है सर हाँ ये सभी लोगों की तरफ से, ये कोई राजकीय शिष्टमंडल नहीं है, ये शिष्टमंडल हमारे संघर्ष समिति का है, गुरुवार वार्ड मालदे कब्रस्तान संघर्ष समिति का शिष्टमंडल है, ये हमारे कवि धर्म गुरु हमारे मौलाना लोग इसके अंदर आए हैं, उस इलाके के सभी नागरिक आए हैं, तो मेरी विनती है कि आप इसके ऊपर जरूर विचार करें और क्योंकि हमारा ये एक निविदा एक फॉर्मेलिटी आप, लेकिन हमारा अभी साक्षरी मुहिम चल रही है, प्रत्येक घर के ऊपर जाकर हमारे सभी लोग मिलकर और साक्षरी ले रहे कि किसको किसको इसके अंदर डिमांड करना है, तो उसका साक्षरी लेकर अगर आपने उसके ऊपर जल्दी से उसको महासभा नहीं लिया, जल्दी से उसका भू संपादन की कार्रवाई नहीं किया, जल्दी से प्रस्ताव शासन तरफ कलेक्टर साहब तरफ नहीं भेजा, तो हम वो जितना साक्षरी ले रहे हैं जो दस्तखत ले रहे हैं वो दस्तखत लेकर हमें प्रचंड मोर्चा भी हमको लाना पड़ेगा, तो हम लाएंगे, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है, मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट है हमारी कि इसके ऊपर ये अच्छा काम है, एक मुस्लिम समाज का एक बहुत महत्व का काम है और ये पुण्य का काम है, यानी आपके लिए भी पुण्य है, हमारे लिए भी पुण्य है, हमारे लिए भी सवाब है, तुम्हारे लिए भी और हम सब के लिए सवाब का काम है, इसके अंदर कोई भी सियासत कोई पॉलिटिक्स राजनीति हमने इसके अंदर लाई नहीं है, तो मुझे आपसे पूरी अपेक्षा है कि आप इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। बोला ये मौलाना एक इतना बोलेंगे फिर उसके बाद आज जो विषय के ऊपर हासिल चाहे कि सरपरस्ती के अंदर हम लोग आए, मैं पहले अपना परिचय करा दूँ कि जिस इलाके के अंदर कब्रस्तान की जगह का मान्यता दी गई है मैं उसी इलाके के अंदर एक मस्जिद में इमाम भी हूँ। दूसरी बात ये कि जमीयत उलमा मालदा जो जमीयत उलमा पूरे हिंद के अंदर काम करती है उसकी एक यूनिट है मालदा के अंदर, उस यूनिट का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इस एतबार से मैं भी आज जो मुद्दा आसिफ साहब लेकर के आए वो हमारे अपने इलाके की स्थिति है, इस एतबार से भी ये ज़रूरत है कि उस इलाके से अगर मैयत बुक करके आती है बड़ा कब्रस्तान में, तो हाल फिलहाल के अंदर बारिश का मौसम चल रहा है, जो मेरे अपने साथ में मेरे इलाके के मैयत के साथ में जो वाक़ पेश आया और मुझको जो खुद पर्सनली तौर के ऊपर ये लगा कि कब्रस्तान की जो जगह है वो अपने इलाके में होना क्यों ज़रूरी है, वो इस एतबार से कि हमारा अपना जो मज़हब और धर्म है वो हमें पाकी और साफ़ी का हुक्म देता है कि हम पाक साफ रहे, और जब आखिरी कार्यक्रम जो हम करते हैं मैयत का तो उसमें हम नमाज पढ़ कर करके हमारी मैयत को दफन करते हैं। हाल ही के अंदर मैं अपने करीब की मैयत के अंदर शिरकत के लिए जब आया तो कब्रस्तान के अंदर मैयत रखी हुई थी और नमाज के लिए ऐलान किया जा रहा था कि लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए, लेकिन कुछ साथी हमारे ऐसे थे जो नमाज के लिए शरीक नहीं हुए। मैंने उसके बाद उन लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों शरीक नहीं हुए, तो उन्होंने बताया कि इमाम साहब जो है हम लोग मैयत लेकर के आ रहे थे, बारिश चालू थी, तो इस्लाम जिम खाना आजम नगर रोड जो है जो पुराना पुलिस स्टेशन का एरिया था वहाँ पे गटर का पानी इतना था कि हम लोग उसमें नापाक हो गए थे, जिसकी वजह से हम लोग आखिरी जो हम लोगों को दुआ के जरिए से हमारी मैयत को दफन करना है उसमें भी शरीक नहीं हो पाए। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी की बात थी कि हम लोग अगर वहाँ से गुजरते हैं तो आखिरी मैयत के लिए जो हम नमाज पढ़ के दुआ करते हैं हम उससे भी महरूम हो जा रहे हैं, तो ज़रूरत ये है कि अगर हमारे को करीब ही में कब्रस्तान मिल जाए तो ये जो तकलीफ हम लोगों को होती है इतनी दूर आने की और ये सारी जो बात होती है और हुकूमत का आप जैसे लोगों का जो इक्तदार की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं आप लोगों का काम ये है कि आवाम की सहूलत के लिए आप जहाँ तक के कर सकते हैं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी तकलीफ है, अगर आपके ज़रिए से ये हमारी तकलीफ दूर हो जाती है तो जैसा कि आसिफ साहब ने अभी कहा
कि ये हमारे अपने लिए भी बहुत बड़ी पुण्य और नेकी का काम होगा, हमारी आने वाली जो नस्लें है, हमारी औलादे, वो भी हमारे लिए कार्य शायद नेक नामी के साथ में हमें याद करते रहेंगी। मैं अपनी जानिब से भी और जमीयत उलमा मालदा और इलाके के आए हुए तमाम लोगों की जानिब से भी इस काम की पुरजोर अल्फाज में तारीफ करता हूँ और आपसे विनती और गुजारिश भी करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पर्सनली तौर के ऊपर इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा करके जल्द से जल्द इसको परमिशन दे करके हमें शुक्रिया का मौका देंगे। विशेष एक बात मुझे बोलना है कि इसके अंदर आप हमारे निवेदन आ गए, आप महासभा को प्रस्ताव विशेष महासभा को भेजिए, हम महापुर साहिबा अभी काम से है तो हम उनका निवेदन भी असलम अंसारी साहब को दे रहे हैं, सभा करो नेता है, लेकिन तुरंत आप हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जैसी महासभा का ठहराव पारित हो जाएगा तुरंत एक पेपर में जाहिरात प्रसिद्ध कर दो कि इसका ठहराव कंपलसरी एक्विजिशन का हो गया है, इसको आप भूल संपादन करने वाले इसके लिए कोई भी इसका नया लेआउट मंजूर ना हो, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि इसका लेआउट महापालिका में दाखिल करे या उसको एने करने के लिए कहीं वो प्रांत कार्यालय के अंदर दौड़ करे, तो इसके लिए भी बाद में संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि हमने निश्चित किया है कि ये तो हमको होना ही है, क्या उसके लिए हमारे को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि धर्म का मामला है, कोई ये पॉलिटिक्स का नहीं है, तो इसके लिए हमारा निश्चित है। इसके लिए मेरी ये भी आग्रह की विनती रहेगी, मैं चाहता हूँ कि हम सब ऐसी बैठे रहे और कुछ जो आलिम आए हैं, कुछ बुजुर्ग हो, वो साहब के हाथ से निवेदन दें। हमारे कब्रिस्तान समिति के सम्मानीय सब सदस्य, हमारे अजीज आसिफ भाई, हमारे समर्पित नेता अंसारी साहब और उपस्थित सब मौलाना जी, आपने जो निवेदन दिया है कब्रिस्तान के बारे में, उसका जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो भी कानूनी तौर तरीके हैं उसके, वो सब चेक करके आने वाले विशेष महासभा में मैं रखूंगा। आपने उन्होंने बता दिया है कि माननीय महापौर महोदय और गट नेता इनको भी ये निवेदन दिया है, ये मैं प्रशासन की ओर से आपको वादा करता हूँ कि ये आने वाली महासभा में ये विषय जाएगा।